क्या तुम लोग ब्लूप्रिंट ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हो कि आगे सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन में फिजिक्स के अंदर कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग से पूछ सकता है? तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले एकदम जेन्युइन ब्लूप्रिंट के साथ और समझेंगे कि सीबीएसई कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोग के लिए पूछ सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं जानता हूं बोर्ड्स एग्जामिनेशन को बहुत कम दिन बचे हुए और इस लास्ट मोमेंट की रिवीजन प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं तुम लोग को बहुत ज्यादा ये दिमाग में आ रहा होगा कि सीबीएसई किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आप लोग से पूछ सकता है। इसलिए मैंने आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट, जो कि सीबीएसई के तरफ से आप लोग के लिए हाल ही में जो सैंपल पेपर आया था उसके अंदर से किस टाइप के क्वेश्चंस, किस वैरायटी के आप लोगों को पूछे गए उसको एनालाइज करेंगे। मैं एग्री करता हूं कि सैंपल पेपर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को वो जरूरी नहीं कि रिपीट होके आ जाए, बट सीबीएसई कहीं ना कहीं आप लोगों को सैंपल पेपर से ये समझाना चाह रहा है कि किस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को सीबीएसई एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में दे सकता है। तो आज के इस ब्लूप्रिंट को हम लोग एनालाइज करने वाले जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर था उसके अकॉर्डिंग और चैप्टर वाइज समझेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से सिर्फ एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला था सैंपल पेपर में जो ऑफिशियली हाल ही में आया। इसके बाद चैप्टर 2 में आप लोग को एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और 5 नंबर का एक क्वेश्चन चैप्टर 2 में से देखने को मिला था। दोनों चैप्टर मिला के आप लोग के लगभग यहाँ पे 11 मार्क्स का पूछा गया और 5 क्वेश्चंस टोटल आप लोग के आए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिला है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन देखने को मिला है 3 मार्क्स का। ऐसे मिला के आप लोग को यहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले और इन तीनों चैप्टर को मिला के 16 मार्क्स आप लोग को पूछे गए हैं। अब बात करता हूँ अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की तो यहाँ पे 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे और एक क्वेश्चन आया था जो 3 नंबर का था। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करी जाए तो एक ही क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 6 की बात करी जाए तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आया और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला है। और चैप्टर नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। वैसे टोटल अगर मैं बात करता हूं मोटे मोटे तौर पे तो 4 और 5 से आप लोग को यहाँ पे 7 मार्क्स का आया है और 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 6 और 7 से आप लोग देखो तो 10 नंबर का आप लोग को पूछा गया है और 4 क्वेश्चंस आप लोग को आए। मैं ये कह सकता हूँ कि 4 टू लेकर 7 तक के आप लोग को 17 मार्क्स का सीबीएसई पूछने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ईएम वेव चैप्टर की तो यहाँ एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनाया और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग को बनाया। मैं कह सकता हूँ मोटे मोटे तौर पे 2 क्वेश्चन आए 4 नंबर के। रे ऑप्टिक्स की अगर बात करी जाए तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आप लोग को आए हैं 2 नंबर के, एक क्वेश्चन आया 4 नंबर का, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का। तो मैं कह सकता हूँ रे ऑप्टिक्स से बहुत सारी चीजें आप लोग से पूछी गई है। रे ऑप्टिक्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट में हमेशा रहना चाहिए, अच्छे से वन शॉट वीडियो देखो और उसको कवर अप करो। लेकिन अगर हम सैंपल पेपर में एक चीज ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर आप लोग को किसी भी टाइप से वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन में आपको गलती करनी है। आपको हाइगन के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के प्रूफ दोनों याद करके जाना, अच्छे से डिफ्रैक्शन का पूरा डेरिवेशन याद करना है और इंटरफेरेंस के अंदर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे तो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 को मिला के यहाँ पे 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले हैं। बहुत बड़ा पोर्शन है ये फिजिक्स के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डुअल नेचर वाले चैप्टर से आप लोग को 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के देखने को मिले, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया। वैसे मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन आए 4 नंबर के। एटम चैप्टर की बात करूं 2 क्वेश्चन देखने को मिले 1-1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आया। और न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया 3 नंबर का। तो मैं मोटे मोटे तौर पे अगर समझाने की कोशिश करूं तो डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर इन सबको मिला के 12 मार्क्स का आप लोग को पोर्शन पूछा गया है। इजी चैप्टर से इसको जल्द से जल्द कवर अप कर लेना। इसके बाद सेमीकंडक्टर चैप्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आया, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आया और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चन आए 7 नंबर के। भाई ये गारंटीड है कि 7 नंबर का सेमीकंडक्टर आना ही है, एकमात्र चैप्टर जिसके बारे में आपको 100% पता है। तो सेमीकंडक्टर को बिल्कुल भी भूल के मत जाएं। फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से पढ़े, पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड रिवर्स को अच्छे से कवर अप करके जाना, कैसे उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनता है और साथ ही साथ एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोग को दिए उसको प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कुछ ना आप लोग को स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी ना उस सैंपल पेपर के अंदर में चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आप लोग को यार मोटे मोटे तौर पे चीजें देखने को मिल रही है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को 16 पूछे गए थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे 5 पूछे गए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को 7 पूछे गए, केस बेस्ड स्टडी के 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हैं और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए। ऐसे मिला के 33 क्वेश्चन आप लोग को आए हैं 70 मार्क्स के। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा।
के थ्रू कहीं ना कहीं तुम लोग समझ सकते हो, कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकते हो। बिकॉज ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो अभी हाल ही में आया था तुम लोगों के लिए 2023-2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग है। तो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बनाया उसी पे बेस्ड आप लोग का एग्जामिनेशन का पेपर होने वाला है। क्वेश्चन भले ही सेम नहीं आएंगे लेकिन पैटर्न कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिल सकता है। दिमाग में आपको ये बैठ सकता है कि सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बस एक चीज समझो गाइस, कोई आपको ये नहीं बता सकता 100% सीबीएसई का पेपर किस तरीके से आएगा, बिकॉज वो तो वही जानता है जो पेपर सेट किया। बट हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को इस ब्लूप्रिंट के थ्रू आप लोग रख सकते हो, बिकॉज ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर को फॉलो अप करते हुए गाइस बना है। तो अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अपनी प्रिपरेशन में अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रही तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इन सभी के साथ गाइस मेरे नोट्स में चल रहा है अभी बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट, 80% ऑफ आप लोग को मेरे नोट्स मिल रहे हैं प्रीमियम वाले सिर्फ और सिर्फ 199 के अंदर। जाइए अभी मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके अलावा आप लोग कैसे टाइप के और वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बोर्ड्स के इस एग्जामिनेशन के गैप में मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए बैठा हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।